दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग कैप्टन अमेरिका के बहुत बड़े फैन होंगे। आप लोग कैप्टन अमेरिका के बारे में जानते होंगे, हाइड्रा के बारे में जानते होंगे, कैप्टन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रेड स्कल के बारे में जानते होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को कैप्टन अमेरिका के बेटे रेड स्कल के बारे में पता है? अगर पता है तो फिर भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नया पता चल जाए आपको। आज हम लोग बात करेंगे अल्टीमेट यूनिवर्स के अल्टीमेट कैप्टन अमेरिका के बेटे रेड स्कल के बारे में। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत साल पहले 1945 के फरवरी के महीने में एक रात स्टीव रॉजर और उनकी गर्लफ्रेंड गैली रिचर्ड एक साथ कुछ वक्त गुजार रहे थे, जो रात शायद उन दोनों की एक साथ बिताई हुई आखिरी रात थी। और वो रात धीरे धीरे थोड़ा रोमांटिक भी बन गया, और जिसके वजह से 4 महीने बाद गैली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और इस तरह आइसलैंड में कैप्टन अमेरिका की मौत की खबर फैलने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोग कैप्टन और गैली के बच्चे वाली बात को सीक्रेट रखेंगे। फिर अगले साल 1946 में कैप्टन अमेरिका के बेटे का जन्म हुआ, और जन्म होते ही उन लोगों ने कैप्टन के बेटे को मिलिट्री बेस के फॉस्टर केयर में लेके चले गए, अपने माँ से दूर। वो लोग चाहते थे इस बच्चे को ट्रेन करके एक और सुपर सोल्जर बनाना उसके पिता स्टीव रॉजर की तरह, जिससे कि कैप्टन अमेरिका की कमी को वो लोग पूरी कर पाए। और ट्रेनिंग के साथ साथ कैप्टन अमेरिका का बेटा उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फाइटिंग स्किल में और टैक्टिकल स्किल में अपने पिता से भी ज्यादा माहिर हो गया। और थोड़े बड़े होने के बाद भी वो मिलिट्री बेस में ही रहता था। उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं दिखती थी कि वो मिलिट्री बेस को छोड़ के इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है या आजाद होना चाहता है। वहाँ के मिलिट्रीज के नजरों में वो एक बहुत ही सीधा साधा और हर चीज को बहुत ही कूलली इजी वे में लेने वाला लड़का था। लेकिन इस बात से अनजान कि अंदर ही अंदर उसे एक बात परेशान करती थी कि इतने काबिलियत के बाद भी वो कभी भी अपने पापा के जैसा रेपुटेशन और सम्मान हासिल नहीं कर पाया, और ना ही यहाँ पे रह के वो कभी कर पाएगा। वो बस एक बेनाम हथियार बन के रह जाएगा। और फिर एक दिन उसने वहाँ से भागने का प्लान बनाया, और 1963 में लगभग 17 साल की उम्र में उसने एक दिन अचानक से अपने फैसिलिटी के सारे सोल्जर्स और डॉक्टर्स को मार दिया, और किचन के एक चाकू का इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऊपर के सारे मांस और चमड़े को काट के निकाल दिया, और दिखने लगा रेड स्कल की तरह। ये बात साफ थी कि उसके अंदर की डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ने उसको मेंटली बिगाड़ दिया था। और फिर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के हत्याकांड के वक्त उसके खिलाफ लगाई हुई विद्रोही आरोप ने उसे रेड स्कल बनाया। और उसके बाद ये बात भी रिवील हुई कि रेड वॉस के हस्बैंड और छोटे से बच्चे के बहुत ही दुखजनक हत्या के पीछे भी रेड स्कल ही जिम्मेदार था। और फिर इसके बाद वो वियतनाम वॉर में भी इन्वॉल्व हुआ था, और भी बहुत सारे बुरे बुरे कामों में उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया था, और तब से वो एक वांटेड क्रिमिनल बन गया। ऐसे ही धीरे धीरे 2010 तक कैप्टन अमेरिका का बेटा एक हाईली प्रोफेशनल असासाइन बन गया, और उसने AIM ज्वाइन की। और अल्टीमेटम इवेंट के वक्त उसने कुछ AIM सोल्जर्स के साथ मिलके बैक्स्टर बिल्डिंग में घुसपैठ की, और वहां से कॉस्मिक क्यूब का ब्लूप्रिंट चुरा के रीड रिचर्ड यानी द मेकर को सौंप दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि अल्टीमेट यूनिवर्स में रीड रिचर्ड एक विलन है, मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि द मेकर नाम से। और उस वक्त कैप्टन अमेरिका वापस आ गए थे, उन्हें आइसलैंड से वापस रेस्क्यू कर चुका गया था, और वो अब फिर से अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन इस बात से अनजान कि उनका एक बेटा भी है, और रेड स्कल ही उनका बेटा है। और ब्लूप्रिंट के चोरी की खबर पाते ही कैप्टन अमेरिका कुछ अल्टीमेट्स और हॉकाई के साथ उस चोर को रोकने गए, यानी रेड स्कल को। और वहां पे पहली बार रेड स्कल का सामना हुआ अपने पिता से, और उसने हेलीकॉप्टर में कैप्टन अमेरिका के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से झपट पड़ा, और कैप्टन अमेरिका को लगभग मार ही चुका था। और कैप्टन अमेरिका को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकने के पहले उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की कि वो उसका बेटा है। और फिर वहां से वापस जाके अलास्का के AIM हेडक्वार्टर में कमांडर ऑफिसर को मार के अपने आप को ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया, और कॉस्मिक क्यूब को अपने कंट्रोल में लिया।
फिर कुछ वक्त बाद जब वहाँ पे एवेंजर्स पहुँचे तब उन लोगों ने रेड स्कल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नाकामयाब हो गए क्योंकि कॉस्मिक क्यूब के पावर के इफेक्ट से उसे हराना नामुमकिन हो गया था। और एवेंजर्स के साथ चल रही बैटल के दौरान उसने कॉस्मिक क्यूब के ट्रू पावर्स और पोटेंशियल का इस्तेमाल करके रियलिटी को चेंज करके टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करना चाहा। लेकिन इस तरफ कैप्टन अमेरिका चुराई हुई टेलीपोर्टर जेट पे पहुंच चुके थे और उन्हें रोकने के लिए रेड स्कल उस जेट को क्रैश करवाने में मजबूर हुआ। वो किसी भी कीमत पे टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसका प्लान फेल कर गया क्योंकि इस तरफ उस जेट के क्रैश के बाद भी कैप्टन अमेरिका सही सलामत बच गए थे और उन्होंने किसी तरह से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट देके अपने आप को वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जहाँ पे रेड स्कल खड़ा हुआ था। और फिर रेड स्कल को पकड़ के रेड स्कल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि एट द एंड उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी। और आखिर में गैली रिचर्ड को लाया गया जिससे कि वो अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय कह पाए और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे उसे बचाने की। और फिर उसके बाद निक फ्यूरी भी रेड स्कल से मिलने आए और वहाँ पर रेड स्कल ने निक फ्यूरी से कहा कि वो तो सिर्फ चाहता था कि वो वक्त में पीछे जाके आइसलैंड में हुई उस वार के वक्त अपने पापा को बर्फ में खोने से बचा सके जिससे कि अतीत थोड़ा सा चेंज हो जाए और वो अपना बचपन अपने पापा के साथ बिता सके, उसका बचपन मिलिट्री बेस में खतियार की तरह ना गुजरे, उसका अतीत चेंज हो जाए, वो बस इतना ही चाहता था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर के भेष में रेड वास्प आती है और अपने पति और बच्चे का बदला लेने के लिए रेड स्कल को गोली मार देती है। और रेड स्कल के मौत के बाद ये बात भी सामने आई कि एक्चुअली ये सब के पीछे और रेड स्कल को लुभाने के पीछे निक फ्यूरी का हाथ था। उसने ये सब प्लान किया था शील्ड में अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसा लगा आप लोग हमारा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और डॉटर ऑफ गैलेक्टस के वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब है और सही जवाब देने वाले पहले 5 व्यूअर्स है। और आप लोगों के लिए एक और सवाल, मेन यूनिवर्स 616 का रेड स्कल का असली नाम क्या है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।